नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। वर्बल जी की ट्रिक का ये 23वां पार्ट है और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर ही आता हूं कि चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था। क्वेश्चन ये है कि चीनी यात्री किसके समय में भारत आया था, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था। ऑप्शन देख लेते हैं यार, सुवर्धन चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी चंद्रगुप्त प्रथम। तो हमारा आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन फाहियान भारत आया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवाया था कि चीनी यात्री हेनसांग किस किस समय में आया था। तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। याद कैसे करवाया था कि वर्जन सांगसुन ने भारत आए थे, वर्जन सांगसुन ने भारत आए थे, मतलब हर्षवर्धन, सांग मतलब हेनसांग, सांग एक ही जो चीनी यात्री है उसके पीछे लगता है। जैसे कि फाहियान, हेनसांग, चियोगन, इत्सिंग, किसी के पीछे सांग नहीं लगता। तो हम एक सिंपल सी लाइन से याद कर गया था कि चीनी यात्री कि वर्जन हर्षवर्धन, वर्जन वर्जन सांग सुनने भारत आए थे। एक सिंपल सी याद से हम याद किया था कि हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अब है कि फाहियान किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अब याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं, छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि गुप्त तरीके से दूसरे चंद्रयान से, गुप्त तरीके से दूसरे चंद्रयान से आया था भारत फाहियान, गुप्त तरीके से दूसरे चंद्रयान से आया था भारत फाहियान। तो एक तो डायरेक्ट फाहियान भी लिख सकते हैं लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहे तो आप एक चीज देखें, तो मैंने लिखा है कि गुप्त तरीके से, गुप्त गुप्त को डिनोट करता है और चंद्र चंद्र को डिनोट करता है और यान चंद्रयान दूसरे चंद्रयान। तो यान देखें तो फाहियान, यान फाही के बाद यान लगता है तो हम ऐसे कोडबद्ध कर सकते हैं, और दूसरे यहां द्वितीय को डिनोट करता है तो हम ऐसे करके कोडबद्ध कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि स्विज्ञा अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था, स्विज्ञा अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, फिर भी कंफ्यूजन रह जाती है जब भी हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोलमेज समझौता, शिमला समझौता। तो हमारा आंसर रहेगा कि गांधी इरविन समझौता। अब याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं कि गांधी विन हुआ मतलब गांधी जीता, गांधी विन हुआ तो सबने उसकी अवज्ञा की, अवज्ञा मतलब अनादर, तो गांधी विन हुआ तो सबने उसकी अवज्ञा की और वापिस चले गए। गांधी जब विन हुआ तो सबने उसकी अवज्ञा की और सब वापिस चले गए, मतलब विन विन यहाँ पर इरविन में से यदि विन देखे तो इरविन आ जाता है और गांधी गांधी के डिनोट करता है अवज्ञा, अवज्ञा मतलब अनादर, वापिस चले गए मतलब वापिस ले लिया गया, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश डैश में चलाया, कहाँ चलाया, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में चलाया, कहाँ पर चलाया। ऑप्शन देख लेते हैं, चोरी चारा, डांडी, चंपारण, बारडोली। अब ये ऑप्शन देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये सब जगह पर गांधी का वो रहा है लिंक कुछ ना कुछ। तो चंपारण हमारा आंसर रहेगा। तो याद कैसे करें उस पे आ जाते हैं, छोटी सी लाइन फिर बना लेते हैं कि हमें ये तो याद रह जाता है कि कई साल गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गुजारे थे जहां रंग भेद के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करा था, तो हम वहां से ही ले लेते हैं कि जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो चंपा से मिलने के लिए रन किया, जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो चंपा उनका कोई भी हो सकता है, शिष्य हो सकता है, कोई भी आप जानते हो गांधी जी को, गांधी चंपा को जानते हैं, मान लेते हैं। तो जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए तो चंपा से मिलने के लिए रन किया। अब देखते हैं कि देखो गांधी गांधी को डिनोट करता है यहाँ पर और चंपा मतलब चंपारण, और रन किया तो रन चंपारण इकट्ठा मिलता है। जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए, दक्षिण अफ्रीका को डिनोट करता है, तो चंपारण से, चंपा से मिलने के लिए रन किया मतलब चंपा से मिलने के लिए तत्पर हो गए, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, आदित्य प्रथम, राजा राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, विजयालय। ऑप्शन भी बड़े खतरनाक ये ऑप्शन है, हमारा आंसर रहेगा राजेंद्र प्रथम। और हम याद कैसे करें उस पर जाते हैं कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई की, बात बिल्कुल जायज है कि जब राम ने लंका पर
चढ़ाई की तो राजी होकर इंद्र ने भी मदद की उनकी। हाँ यस, जब राम ने लंका पर राम ने लंका पर चढ़ाई की तो राजी होकर इंद्र ने भी मदद की उनकी। अब देखें कि राजे और इंद्र, राजेंद्र यदि छंद विच्छेद करे तो राजेंद्र, तो जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तो राजी होकर इंद्र ने भी उनकी मदद की, मतलब क्या है, राजी प्लस इंद्र राजेंद्र बनता है। हम ऐसे कर याद कर सकते हैं राजेंद्र वर्धन। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अब आता है कि तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन देख लेते हैं, कुलोत्तुंग चोल, राजा राज चोल, राजेंद्र चोल, सुरेंद्र चोल। तो हमारा जो आंसर रहेगा राजा राज चोल रहेगा। अब याद कैसे करें, एक छोटी सी लाइन बना लेते हैं कि राजा ने अपने राज के लिए बाहर मंदिर में हद से ज्यादा ईश्वर की प्रार्थना करी, ईश्वर के आगे प्रार्थना की। राजा ने अपने राज के लिए बाहर मंदिर में हद से ज्यादा ईश्वर के आगे प्रार्थना की। तो अब एक चीज देखिए, बृहदेश्वर मतलब बाहर, हद बीच में हद आता है तो हद को डिनोट करता है, ईश्वर मतलब ईश्वर को डिनोट करता है, और राजा ने अपने राज के लिए मतलब राजा राज, इसका आंसर है राजा राज चोल। हम ऐसे करके ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जो चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर है, कहाँ पर है। ऑप्शन देख लेते हैं, काशी, मथुरा, पुरी, उज्जैन। तो हमारा आंसर रहेगा उज्जैन। उज्जैन से तो आपको बहुत कुछ याद करना पड़ सकता है। पहली बात तो मध्य प्रदेश के अंदर ही बहुत ही तीर्थ स्थल है, और उज्जैन के अंदर भी बहुत ही पर्यटन स्थल है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, उज्जैन के अंदर है। उज्जैन कहाँ पर बस किस नदी के किनारे बसा है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। तो पहले हम थोड़े से प्रमुख तीर्थ स्थल याद हम देख लेते हैं, वहाँ कौन से स्थल है जो कि प्रमुख है। तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, चिंतामन गणेश मंदिर वहाँ पर है, बड़े गणेश का मंदिर भी वहाँ पर है, और रुद्र सागर तालाब, गोपाल मंदिर जो कि नगर का दूसरा बड़ा मंदिर है, और गढ़कालिका देवी ये अवंतिका नगर में स्थित था पहले प्राचीन काल में, जो कि अब उज्जैन में है। उसके बाद काल भैरव का मंदिर भी कहाँ पर है, उज्जैन में, जिसको किसने बनाया था, भद्रसेन ने बनवाया था। अब हम याद करते हैं कि उज्जैन, हम इसको डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं, इसकी याद करने की ज्यादा ट्रिक बनी नहीं है कि चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर कहाँ पर है। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर उज्जैन के अंदर है, बस हम इसमें ऐसे ही याद कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, मतलब अलग करती है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो हम देख लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे ट्रिक बने या ना बने, लेकिन हमको याद तो करना है कि वास पेरिस, जिब्राल्टर, डोवर, बेरिंग। तो हमारा जो आंसर रहेगा जिब्राल्टर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम तीन सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन से है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो हमें एक बात तो याद रहती है कि भाई उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादक राज्य में सर्वप्रथम है, क्योंकि गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है, लेकिन उसके बाद के राज्य हमें याद नहीं रह पाते, ये बिल्कुल जायज बात है। तो लेकिन इसका जो आंसर है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो हमें याद कैसे करें, उस पर आ जाते हैं डायरेक्ट कि उत्तर दो महान मिल कहाँ पर है चीनी की। उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, महान मतलब महाराष्ट्र, दो चीनी महान मिल मतलब मिल तमिलनाडु कहाँ पर है, चीनी को डिनोट करता है। ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, खुदीराम बोस, वी डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। तो हमारा आंसर रहेगा वी डी सावरकर। तो हम याद कैसे करें, अभिनव भारत का गठन किसने किया था, वी डी सावरकर ने, याद कैसे करें। अभिनव भारत के लोग वी डी पीकर सावरकर क्रांति करने, हाँ अभिनव भारत के लोग वी डी पीकर
सवरकर क्रांतिकारी बनेंगे। अब के जो भारत है अभी नव भारत, क्योंकि अब और पहले में बहुत फर्क है, अभी नव भारत के लोग बीड़ी पर पीकर सवरकर क्रांतिकारी बनेंगे। हम कमेंट मार रहे हैं कि अभी नव भारत के लोग, अभी नव भारत के मतलब अभी नए भारत के लोग बीड़ी पीकर सवरकर क्रांतिकारी बनने चले हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि अभी नव को डिनोट करता है, और भारत भारत को डिनोट करता है। बीडी मतलब बीडी, पीकर सवरकर मतलब सावरकर, सावरकर मतलब सवरकर क्रांतिकारी बनेंगे, हम ऐसे करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी, ऑप्शन देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, अब्दुल नारी। तो हमारा जो आंसर रहेगा जयप्रकाश नारायण। तो हम याद कैसे करें उस पर आ जाते हैं, तो एक छोटी सी लाइन फिर बना देते हैं। संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की, जयप्रकाश नारायण। तो हम कैसे याद करें कि संपूर्ण क्रांति चाहिए, मतलब पूरी क्रांति चाहिए, संपूर्ण क्रांति चाहिए, सिर्फ जय से कुछ नहीं होगा, जय के नारे से कुछ नहीं होगा। हम ऐसे बोल देते हैं कि संपूर्ण क्रांति चाहिए, सिर्फ जय से कुछ नहीं होगा, अब हम अंधेरे से प्रकाश में आ गए हैं नारायण की कृपा से। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है कि संपूर्ण क्रांति चाहिए, जय से कुछ नहीं होगा, अब हम अंधेरे से बाहर आए हैं नारायण की कृपा से। अब देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति चाहिए मतलब संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की थी। अब संपूर्ण क्रांति चाहिए, जय से कुछ नहीं होगा, मतलब जय जय के डोनर करता है, अब हम अंधेरे से प्रकाश में आ गए, मतलब प्रकाश, जय प्रकाश, और आ गए हैं नारायण की कृपा से, मतलब जय प्रकाश नारायण हमारा आंसर है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके याद होने में मददगार रही हो ये वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि नहीं रही तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप साथ में जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। और एक छोटी सी गुजारिश और रहेगी कि आपको यदि जो भी वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।